अगर आपको लगता है कि आप YouTube मास्टर है तो भाई एक मिनट तक आप टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि YouTube से पैसा कमाना है, YouTube चैनल ग्रो करना है, YouTube वीडियो पर व्यूज लाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। 10,200 सब्सक्राइबर्स मुझे मिला है एक वीडियो के थ्रू। तो अगर आप इसी तरह आपकी वीडियो रैंक करवाना है तो भाई SEO सही से करना है। SEO कैसे करना है इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला। वीडियो तो आप बहुत बढ़िया तरीके से बना लेते हो, वीडियो एडिटिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से आप कर लेते हो और थंबनेल भी एक अच्छा HD क्वालिटी थंबनेल भी आप बना लेते हो, फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपने एक बार रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो सब कुछ सही कर लिया है, सब कुछ ठीक करके वीडियो अपलोड किया है, उसके बाद अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपकी जो वीडियो है, आपने जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो की SEO आपने सही से ठीक नहीं किया है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर से तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, मैं एक न्यू क्रिएटर्स नहीं हूँ, मेरा और 3 चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो डाउट है, ये जो कॉन्फ्यूज है, सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कि वीडियो की SEO कैसे करना है। YouTube की मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वीडियो की SEO। अगर आप SEO सही से नहीं करते हो, आप जैसे तैसे वीडियो आपके चैनल पर अपलोड करते हो तो एक वीडियो क्या, आप हजारों वीडियो अपलोड कर सकते हो आपके चैनल पर, लेकिन एक वीडियो पर ज़्यादातर व्यूज नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15, 15 से 20 व्यूज आएंगे, उसके बाद आपकी वीडियो जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। तो मेरा बात पर आप डायरेक्टली विश्वास नहीं करना है, मेरा काम पर और मेरा बात पर अगर दोनों सेम लगता है तो मेरा बात पर विश्वास करना है, अदरवाइज आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के आप जा सकते हो। मेरा बात पूरा घटिया तरीके से होता है क्योंकि मुझे गलत चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड आपको लगा के दिखाता हूँ कि मेरा रिजल्ट कैसे आ रहा है और SEO कैसे करना है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आजकल हर एक बंदे के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है। दोस्तों, SEO कैसे काम करता है मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। हर एक बंदे के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है और एक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड होता है, और सिम कार्ड इसलिए होता है कि सिम कार्ड जो है इसमें एक मेमोरी कार्ड है, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। तो इस मेमोरी कार्ड में हम लोग क्या करते हैं कि जो नंबर सेव करना है उसी सिम कार्ड पर सेव करते हैं। तो मान लीजिए आपके सिम कार्ड पर 200 से 250 नंबर आपने सेव किया है। नंबर तो आप सेव किया है, लेकिन नाम से आपको सेव करना होता है। तो एक एक नाम से एक एक नंबर आप सेव करते हो। अक्सर आपको एक नंबर की ज़रूरत पड़ जाता है, उस नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाता है, तो आप क्या आपके मोबाइल पर कॉन्टेक्स्ट लिख जाके क्या आप स्वाइप करोगी? नहीं, आप सर्च बॉक्स में सर्च करोगी, जिस नाम पर आपको कॉल करना है उसी नाम पर आपको सर्च करना है। तो सेम इसी तरह YouTube पर जो वीडियो आप अपलोड करेंगे, ये वीडियो मान लीजिए सिम कार्ड है, और जो नंबर आप जो नाम से सेव करते हो ये होता है टैग। तो अगर आपने जो वीडियो आपने अपलोड किया है आपके चैनल पर, उस वीडियो पर जो टैग होता है, अगर आप सही से टैग सेट करते हो तो ऑडियंस जब YouTube पर आके सर्च करता है ना, तो जो टैग सर्च करता है अगर उस टैग आपके वीडियो पर अवेलेबल है तो आपकी वीडियो जो है ऑडियंस के सामने YouTube ने रिकमेंडेशन करता है, यानी कि सामने सर्च रिजल्ट पर देखने को मिलता है। इसको कहा जाता है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह आपको करना 100% मैंडेटरी है। आप हजारों क्या है लाखों वीडियो अपलोड कर सकते हैं आपके चैनल पर, लेकिन वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा वीडियो देखना है। अगर आपको लगता है कि आप YouTube मास्टर है तो भाई एक मिनट तक आप टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि YouTube से पैसा कमाना है, YouTube चैनल ग्रो करना है, YouTube वीडियो पर व्यूज लाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद आप समझ सकते हैं, आप खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है
पहले जिस तरह व्यूज आता था इसी तरह नहीं आएंगे, पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन किया है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ YT स्टूडियो जाके कि वीडियो जो है आखिर कैसे रैंक करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टूडियो ओपन किया है। यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है YT स्टूडियो जो है मैंने ओपन किया है। यहाँ पर मैं एक बार बैक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो वीडियो की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ। और वीडियो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यूज़ कितना है और इस वीडियो में कितना सब्सक्राइबर्स मुझे इंक्रीज करके दिया है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्वाइप करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स जो हैं आपका होश उड़ जाएंगे, एक एक वीडियो में कितना सब्सक्राइबर्स देता है। ये मेरा पुराना चैनल है, सब्सक्राइबर्स कितना दिया है इस वीडियो में 10,200 सब्सक्राइबर्स मुझे मिला है एक वीडियो के थ्रू। तो अगर आप इसी तरह आपकी वीडियो रैंक करवाना है तो भाई SEO सही से करना है। SEO कैसे करना है इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ और एक एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है और ये एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो तो भाई आज से ये यूज़ करना शुरू कीजिए, जिसका नाम है ट्यूबड्डी। हर एक यूट्यूबर ने यूज़ करता है। तो मैं ट्यूबड्डी पर एक वीडियो ओपन करके रखा है, जो जैसे कि मैं एक बार बैक करता हूँ, यहाँ पर मैं इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करता हूँ क्योंकि ट्यूबड्डी जो है काफ़ी मतलब नेटवर्क चाहता है इसलिए टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल टैग क्या क्या है, यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जितना इस वीडियो में टैग मैंने सेट किया है एक एक टैग रैंक कर रहा है। इसी तरह आपको आपकी जो वीडियो है वीडियो की टैग इसी तरह रैंक करना चाहिए, तब आपकी वीडियो जब ऑडियंस ने सर्च करता है ऑडियंस के सामने यूट्यूब ने बेचता है। तो यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कैसे इसी तरह आप टैग पर रैंक करा सकते हैं। तो आप आपको दिखाता हूँ कि कैसे SEO करना है। चलिए चलते हैं यूट्यूब पर, मैं यूट्यूब ओपन किया है। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है। मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर अपलोड वीडियो पर क्लिक करके कोई भी एक वीडियो अपलोड कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों मेरा ये जो मोबाइल है इस मोबाइल पर एक भी वीडियो नहीं है, तो चलिए मैं एक वीडियो किसी भी हालत में जुगाड़ कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं है तो मैं एक वीडियो इनपुट करता हूँ एक सेकंड के लिए। सो दोस्तों मैंने एक वीडियो इनपुट कर लिया है उस मोबाइल पर और ये वीडियो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको YouTube ओपन करना है, उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है, अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहते हो यहीं से चूज करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एड डिटेल्स, तो आप क्या करना है। तो उसके बाद दोस्तों वीडियो अपलोड करने के बाद SEO सही से करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं। काफ़ी लोग आपको बताते होंगे कि वीडियो अपलोड करते समय अनलिस्टेड में करना है और टाइटल बाद में डालना है। अनलिस्टेड में करना है बिल्कुल सही बात है, लेकिन टाइटल साथ साथ टाइटल भी यहाँ पर टाइप करना 100 से ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि वीडियो जब आप अपलोड करने के लिए डालते हो उस टाइम प्रोसेसिंग लेता है। तो प्रोसेसिंग इसलिए लेता है कि YouTube ने यह समझता है, YouTube की जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम को ये पता लगता है कि आखिर ये जो वीडियो आपने अपलोड पर डाला है किस टाइप की वीडियो है, किस ऑडियंस के सामने ये रिकमेंडेशन करना चाहिए, ये YouTube ने सर्च करता है। इसलिए अगर आपके वीडियो पर आप टाइटल नहीं डालते हो तो घंटा YouTube एल्गोरिदम से सर्च करता है, कुछ नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले टाइटल डालना है। इस टाइटल से क्या होता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन तीनों चीज़ों से आपकी जो वीडियो है वीडियो की SEO कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो टाइटल। तो टाइटल पर क्या करना है, चलिए यहाँ पर मैं एक बार बैक आता हूँ टाइटल लिखने के लिए और फिर से ये वीडियो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक ही यूट्यूब है इसलिए यहाँ पर बार बार चेंज नहीं
कर पाया मैंने। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि टाइटल लिखने के लिए आपको आना है यूट्यूब होम पेज पर। यहाँ पर दोस्तों सर्च करना है जैसे कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। सबसे पहले यूट्यूब पर टाइप करना है वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, WATCH वॉच टाइम। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया है वॉच टाइम, तो यहाँ पर आ चुका है पूरा वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। ये जो टैग है, ये टैग आपकी जो टाइटल है टाइटल पर फर्स्ट टॉप पर सेट करना है। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस टाइटल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों कॉपी करना है, सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इसी तरह काम करता हूँ। अगर आपके मोबाइल पर नहीं है तो आप कर लीजिए, एक नोट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं एक नोट, मेरा जो नोट है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और नोट पर दोस्तों क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर नोट पर आके पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों फिर से जाना है यूट्यूब पर। फिर से आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। तो दोस्तों एक टाइटल में दो टैग आपको सेट करना है। ध्यान से काम कीजिए, अगर आपकी वीडियो SEO सही से करना है तो ध्यान से सुनिए और उसके बाद ध्यान से काम कीजिए, आप 100% आप एक यूट्यूबर बन सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप किया है वॉच टाइम कैसे बढ़ाइए, हिंदी टैग है। आप मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंग्लिश, जैसे कि हाउ टू कंप्लीट 4000 वॉच टाइम, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाउ टू। जैसे मैंने हाउ टू टाइप किया है यहाँ पर पूरा वर्ड आ चुका है, जैसे कि हम हाउ टू कंप्लीट 4000 आवर्स वॉच टाइम। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस टाइटल पर फिर से क्लिक करना है, यहीं से कॉपी करना है। देखिए ये क्या होता है कि यूट्यूब पर ये जो टाइटल है सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, और ये टाइटल आपकी वीडियो पर होना चाहिए। तो अब यूट्यूब पर जब ऑडियंस सर्च करता है तो आपकी वीडियो सबसे सामने आता है। तो कॉपी करना है, बस मैंने कॉपी कर लिया है। चलता हूँ अभी नोट पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया है। आप चलते हैं यूट्यूब पर, आप यूट्यूब ओपन करते हैं। यूट्यूब ओपन करने के बाद आप क्या करना है, वीडियो अपलोड पर जाना है, अपलोड ए वीडियो इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल पर जो आपने पेस्ट करके रखा है यहाँ पर डालना है, एक एक करके डालना है। देखिए दोनों एक साथ नहीं डालना है, मैं आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं डालना है। तो यहाँ पर टाइटल आ चुका है, मैं यहाँ पर क्लिक किया है। मैं चलता हूँ नोट पर, और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट जो टैग मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, जैसे कि कैसे बढ़ाए वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, मैंने कॉपी कर लिया है। जाना है यूट्यूब पर, टाइटल पर आना है, पेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि एक छोटा सा स्पेस देना है, इसके बाद एक डंडा के निशान यहाँ पर लगाना है। इसके बाद बाकी जो टैग है टैग फिर से यहाँ पर लेके आना है। तो जाना है नोट पर, और यहाँ पर सेकंड जो टैग है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद आना है फिर से यूट्यूब पर, और यहाँ पर टाइटल पर पेस्ट कर देना है। चलिए मैं पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों पेस्ट कर दिया है, ये SEO हो रहा है। उसके बाद ये पूरा एक साथ कॉपी करना है। ये पूरा कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरा एक बार सिलेक्ट ऑल और इसके बाद कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हो एड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की टॉप पर ये जो आपने जो टाइटल कॉपी किया है पेस्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो अपलोड होते जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अभी
YT स्टूडियो ओपन करना है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मेरा जो ईमेल आईडी है मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है, इसलिए सॉरी। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ईमेल आईडी जिस ईमेल पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैंक, क्योंकि इस पर मैंने थंबनेल सेट नहीं किया है। और वीडियो अपलोड करते समय अनलिस्टेड रखना है। जब वीडियो अपलोड कंप्लीट होता है उसके बाद दोस्तों पब्लिश करना है सारा कुछ कंप्लीट करके। तो यहाँ पर दोस्तों उस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक पेंसिल आइकन आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपने टाइटल रखा है यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो विजिबिलिटी है यहाँ पर प्राइवेट है, अनलिस्टेड में कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो मोर ऑप्शन टैग कैटेगरी, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है कि टाइटल पर जो दो टैग आपने सेट किया है एक एक टैग एक्स्ट्रा मतलब एक एक टैग अलग से कॉपी करना है। चलिए मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों टैग की सबसे टॉप पर ये टैग जो आपने कॉपी किया है पेस्ट कर देना है, मैंने किया है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि फिर से आपको जो नेक्स्ट टैग है टाइटल पर आपने दो टैग सेट किया है, जो नेक्स्ट टैग है वही आपको क्या करना है कॉपी करना है। चलिए मैं सेकंड वाला टैग कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद दोस्तों फिर से जाना है टैग पर, और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर टैग पर क्या करना है पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मैंने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है बैक। यहाँ पर दोस्तों एक थंबनेल, जो भी आप थंबनेल सेट करना चाहते हो थंबनेल सेट कर लेना है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई थंबनेल यहाँ पर सेट नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने एक मतलब वीडियो ऐसे ही अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों आप बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन पर, डिस्क्रिप्शन और क्या है कि टैग बाकी है। तो डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पर अगर आपकी वीडियो के बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पर आपको मल्टीपल टैग यहाँ पर सेट करना होगा, तब आपकी वीडियो की जो SEO है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। तो टैग आपको एक साथ कैसे मिलता है, इसके लिए दोस्तों जाना है क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र, चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप करना है रैपिड टैग। मैं जिस तरह कह रहा हूँ इसी तरह आपको टाइप करना है रैपिड टैग, RAPID TAG S। इसके बाद फास्ट लिंक पर क्लिक करना है। फास्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यूज टूल्स फॉर फ्री, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। वीडियो को गौर से देखना है। इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब, इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको टाइप करना है टैग, जैसे कि वॉच टाइम कैसे बढ़ा, WATCH वॉच वॉच टाइम कैसे बढ़ा। इसके बाद सिंपल सा सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसके रिलेटेड काफ़ी टैग आ चुका है। नीचे आप देख सकते हो कॉपी बटन दिया गया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर पेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि नोट पर ये पेस्ट करना है। नोट पर इसलिए पेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पर जो टैग आपने कॉपी किया है, देखिए मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना टैग मैंने कॉपी किया है सारी टैग पर एक एक कॉमा है, ये कॉमा आपको हटाना है, अदरवाइज आपके वीडियो पर स्ट्राइक आ सकता है, कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकता है, कॉमा एक भी नहीं रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से जाना है क्रोम ब्राउज़र। चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। तो मैंने पहले हिंदी में टाइप किया है कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, आप मैं इंग्लिश में टाइप करता हूँ वॉच टाइम कैसे पूरा करें, जैसे कि हाउ टू
कॉम्प्लीट COMPLETE हाउ टू कॉम्प्लीट 4000 वाच टाइम 4000 आवर्स वाच टाइम। इसके बाद मैं सर्च करता हूं क्योंकि एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों तरीके से आपको सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो टैग लिस्ट आ चुका है, ये इंग्लिश है, कॉपी करना है, जाना है नोट पर और यहां पर दोस्तों पेस्ट कर देना है। चलिए मैं वही पेस्ट कर लेता हूं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहां पर जितना सारे टैग आप देख सकते हो एक एक टैग की कॉमा हटाना है और एक साथ कॉपी करना है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए एक साथ मैं कॉपी कर लेता हूं। चलिए मैं कॉपी करता हूं। तो यहां पर सिलेक्ट ऑल मैंने किया है, कॉपी कर दिया है, सारा कुछ मैंने कॉपी किया है। आप क्या करना है, आप जाना है YT स्टूडियो में। चलिए मैं YT स्टूडियो आपको अभी जाता हूं। YT स्टूडियो मैंने निकल लिया है, यहां पर पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करना है। पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर देना है और नीचे यहां पर लिखना है योर क्वेरीज। योर क्वेरीज टाइप करने के बाद नीचे जितना टैग आपने कॉपी किया है यहां पर पेस्ट करना है। लेकिन मैं कॉमा के साथ यहां पर पेस्ट कर रहा हूं, आप भी ऐसा नहीं करना है, कॉमा हटाना है, मैं बार बार कह रहा हूं, वरना आपकी वीडियो जो है वीडियो पर कम्युनिटी स्ट्राइक आ सकता है। मैंने पेस्ट कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो भी मतलब टैग यहाँ पर पेस्ट किया है, नीचे आपको हाईएस्ट यानी कि टॉप 15 तक आपको हैशटैग देना है। आप 10 से 12 तक दे सकते हैं, लास्ट 15 तक यानी 15 तक आपको हैशटैग यहाँ पर सेट करना है आपकी वीडियो के रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन के बारे में कम्प्लीट हो चुका है। आप बात करते हैं कि टैग कैसे फिट करना है, क्योंकि टैग लिस्ट पर मैंने एक टैग अभी तक नहीं डाला है। इसके लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना आपके लिए जरूरी होता है, जिसका नाम है BidIQ। BidIQ हर एक क्रिएटर ने इस्तेमाल करता है। तो चलिए मैं यहाँ पर BidIQ टाइप करता हूँ। BidIQ टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो BidIQ जो ऐप्स है मैंने ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। TubeBuddy एंड BidIQ ये तीनों एप्लीकेशन एक एक क्रिएटर्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ओपन किया है, सबसे टॉप लेवल पर जो वीडियो अपलोड हो रहा है यहाँ पर शो हो रहा है, तो इस टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच टाइम कैसे बढ़ा है, हाउ टू कम्प्लीट 4000 आवर्स वॉच टाइम, ये तो मैंने टाइटल रखा है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो टैग जो है सजेस्ट कर रहा है। देखिए मैंने जो टाइटल में जो दो टैग यहाँ पर सेट किया है, ये मैंने टैग पर भी दोनों टैग किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों टैग रैंक कर रहा है। यहाँ पर आप परसेंटेज देखिए 60-60 जो ग्रीन होता है ये रैंक कर रहा है। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड कीवर्ड ये प्लस पर क्लिक करके ये भी आप ऐड कर सकते हो आपके वीडियो पर। उसके बाद दोस्तों आप मल्टीपल वीडियो के रिलेटेड मल्टीपल टैग यहाँ पर सर्च करके आप लगा सकते हो, जैसे कि वॉच टाइम कैसे पूरा करें, पहले मैंने किस तरह टाइप किया है वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वॉच टाइम कैसे पूरा करें, वॉच टाइम कैसे पूरा करें, वॉच टाइम कैसे पूरा करें मैंने टाइप किया है। सकते हो मैंने यहाँ पर जो टैग सर्च किया है यहाँ पर टैग आ चुका है। अगर दोस्तों आपको ये टैग लगवाना है आप ज़रा रिचार्ज कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये टैग आपको सेट नहीं करना है। जिस टैग पर ग्रीन होता है यानी कि राइट साइड पर ग्रीन दिखता है वही टैग आपके वीडियो पर सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं और एक टैग आपको सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर टाइप करता हूँ वॉच टाइम कैसे बढ़ाए, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वॉच टाइम कैसे बढ़ाए। इसके बाद मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो टैग आया है राइट साइड पर, यहाँ पर रैंक जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 60 है,
यानी कि दोस्तों इसी तरह दोस्तों ग्रीन वाला टैग आप वीडियो पर सेट करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक बॉक्स देख सकते हो, बॉक्स पर टिक मार्क लगाना है और ऐड सिलेक्ट कीवर्ड पर क्लिक करना है, तो उस वीडियो पर एक जो कीवर्ड है ऐड हो जाता है। इसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि पब्लिश चेंज टू यूर वीडियोज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एसईओ कोड्स जो है यहाँ पर डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एसईओ कोड्स जो है 42% कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने तो एक टेम्पररी के हिसाब से मैंने यहाँ पर सेट किया है, आप अच्छा से कीजिए। और इस वीडियो में अभी भी बाकी है जो थंबनेल अपलोड करना। थंबनेल सेट करने के बाद दोस्तों लगभग यहाँ पर 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक एक वीडियो में दोस्तों 50 से 60 स्टॉक एसईओ कोर्स जो है कंप्लीट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट जो है टॉप लेवल 100% है, लेकिन 100% कोई क्रिएटर्स ने अभी तक नहीं किया है और कोई नहीं भी कर सकता है। तो इसी तरह दोस्तों आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद दोस्तों जब आपके वीडियो अपलोड कंप्लीट होता है उसके बाद दोस्तों पब्लिश करना है। तो दोस्तों इसी तरह एसईओ जो है कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद नहीं आएगा तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट निकल जाना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।